देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर मध्य प्रदेश के भिंड की तहसील गौरमी की है। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण हेतु समाज सेवियों के द्वारा दिया जा रहा सहयोग। जानकारी के अनुसार महगांव तहसील गौरमी में मंदिर संग्रहालय के लिए निकाली गई बाजारों से बाइक रैली के साथ ही लगाए गए राम नाम के जयकारे। जिला सहकारी बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं समाज सेवी केपी सिंह भदौरिया के द्वारा अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि में 5 लाख रुपए का चेक कार्यक्रम के दौरान देकर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मौजूद राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि के पालक समाज सेवी जगदीश दीक्षित, राम मंदिर समर्पण निधि के गौरमी खंड संयोजक श्री कृष्ण कटारे, भागवताचार्य कुंज बिहारी बरुआ, राम मिलन शर्मा, डॉक्टर अक्षय कुमार जैन, कल्याण नरवरिया, सुभाष शर्मा, दिवाकर मिश्रा, जयवीर पुरोहित, सुभाष थापक, मनीष अग्रवाल आदि की उपस्थिति में दान स्वरूप दिया गया और कहा, मुझे बेहद खुशी है कि राम मंदिर के निर्माण में कुछ मेरा भी योगदान हो रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि खुद के लिए एवं परिवार के लिए घर का मकान बंगला तो हर कोई बनाता है, लेकिन भगवान के लिए जो मंदिर बना रहा है उसमें समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ चढ़कर दान देना चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी सद्मार्ग के रास्ते पर चले। मध्य प्रदेश भिंड से ब्यूरो इमरान अली खान की रिपोर्ट। ये जो यात्रा निकाल रहे हैं किस विषय को लेकर निकाल रहे हैं? ये तो हमारी संस्कृति की यात्रा है। 400 साल पहले हमारी रामचरण भूमि पर एक आक्रमण किया था, उसको आज नए निर्माण के लिए उसकी खुशी में आज पूरे भारतवर्ष में ये शोभा यात्राएं खुशी जाहिर की जा रही है। इसीलिए ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, राजनीतिक शोभा यात्रा नहीं है। आप लोगों में क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये इस यात्रा को निकाल कर? ये यात्रा का संदेश यही है कि राम हमारे आराध्य हैं, हमारी सनातन धर्म के आराध्य हैं। घर घर ये बात पहुंचानी है कि अब राम जी जो कैद में थे वो राम जी अब बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अयोध्या में पूरे संसार से बड़ा मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। जय श्री राम।